हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अपने ऑर्चर्ड के विज़िट करवाएंगे, कैसे फल लगे हैं, कौन कौन से फ्रूट होते हैं पहाड़ों में। बहुत से भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें दिखाए कौन कौन से फ्रूट यहाँ होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू आजकल होता है, बारिश हुई है पिछले कल। ये आप देख सकते हैं पेड़ इस तरह से। तो मैं आपको अब फ्रूट दिखा देता हूँ। फ्रूट के लिए ही बहुत से भाइयों का क्वेश्चन आएगा था कि फ्रूट दिखाए कौन कौन से फ्रूट वहाँ होते हैं। तो ये आप प्लांट देख सकते हैं, ये शक्करपारा इसको बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये तो ओले की वजह से डेंटिस्ट में पड़ गए हैं, निशान तो ख़राब हो गए। इसे शक्कर पारा बोलते हैं, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। और इसी के साथ ये आप देख सकते हैं आड़ू भी लगे हुए हैं, कितने अच्छे लगे हैं। तो आप बहुत आड़ू इसमें लगे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये ओले की वजह से ख़राब हो गए, क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। नाशपाती भी आपको दिखा देते हैं, ये नीचे मक्की मटर मिक्स है काम। ये देख सकते हैं यहाँ पे नाशपाती का थोड़ी थोड़ी सी इसमें लगी है, 5-6 साल का भी ये पौधा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते रहे और चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये देख सकते हैं आप, ये पलम, ब्लैक एम्बर पलम, ये देख सकते हैं कितना अच्छा साइज है इसका। तो हार्वेस्टिंग के लिए भी ठीक है, पर क्या बेचना है इसको, इसमें तो ओला ही बड़ा भारी है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से लगा है, बीच में लाल भी हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से फोटो ठीक नहीं आ रहा, आपको और दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कैसे इसमें उल्टे से डेंट पड़ गई है। ये प्रोन है, इसको भी झाड़ दिया इस साल लेने पर, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टिका हुआ ही है। ये भी पलम टाइप ही होता है, शुगर फ्री है। टेस्ट नाम की तो इसमें चीज नहीं होती कोई, पर शुगर फ्री है तो प्राइस मिल ही जाते हैं। ये देखिए, ये भी आड़ू का पौधा है, कितने सारे इसमें लगे हैं, बहुत लगे हैं। ये भी एक पलम है, इसका बहुत बुरा हाल हो गया है बेचारे का, झड़ गया आधे से ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं आप, ये नीचे ये भी आड़ू का ही प्लांट है। ये कहीं आलू लगे हैं बीच में, पिछले साल लगाए थे तो इस साल नेचुरली रह जाते, कुछ उग जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भी पलम ही है, यहाँ पलम का पौधा है। ये साल की ग्राफ्टिंग की है, मतलब बदला है इस पेड़ को, पहले कुछ और था अब कुछ और है। ये देख सकते हैं इस तरह से आलू होते हैं, अगर किसी ने देखे नहीं है पहाड़ों में। पहाड़ी आलू तो टेस्टी होता है, ये तो सभी को पता है। सेब की हालत तो आप देख ही सकते हैं, कितने अच्छे इनको बना दिया है ओले ने। ये रॉयल वैरायटी का, पर मैं इसको जबरदस्त रॉयल बोलता हूँ, भयंकर रॉयल मैंने इसका नाम रखा हुआ है।
दिखाएंगे इसको, जब लाल हो जाएगा पर है तो ये देखने लायक तो रहा नहीं है, पर फिर भी और भी दिखाते हैं आपको। कितना खूबसूरत नजारा है, देखिए आप, पलम पुलम का बुरा हाल किया हुआ है। अभी तैयार नहीं हुए ये देख सकते हैं आप, जब एक इसमें शॉट लग जाता है वो लेगा तो क्या शक्ल हो जाती है इनकी, इसमें कई स्केर आ गए है। सेब का चमत्कार ओलों से देख सकते हैं, बंद गोभी लगी है, इस तरह से बंद गोभी लगाई जाती है पहाड़ों में, पहाड़ों में क्या देश में भी ऐसी लगाई जाती है। ये प्यारी मुर्गियां मेरी,
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।